हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आप देख सकते हैं आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग सा स्पाइडर मैन का टॉय कलेक्शन लेके आया हूं। गाइस आप देख सकते हैं मेरे सामने यहां पर रखे बहुत डिफरेंट टाइप के स्पाइडर मैन वाले टॉयज, स्टेशनरी किट है, स्पाइडर मैन है, बहुत सारे यूनिक टाइप के टॉयज हैं, वॉचेज वगैरह है, वॉकी टॉकी है, ज्योमेट्री बॉक्स है, बहुत कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। अगर आपको ये कलेक्शन थोड़ा सा ही पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, ऐसी वीडियो और भी देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं लगातार आपके लिए बनाता रहता हूं और मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियो बना भी रखी है। सो गाइस आप देख सकते हैं मेरे सामने यहां पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के स्पाइडर मैन टॉयज रखे हुए। तो गाइस सबसे पहली चीज जो मैं आपको वो है गाइज, ये देखो कुछ इस तरह की मेरे हाथ में गाइज एवेंजर वाली वॉकी टोकी। गाइज ये एवेंजर वाली है तो इसके अंदर स्पाइडरमैन भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और गाइज यहां पे आप देख सकते हैं मेरे सामने यहां पर वॉचेज हैं, ये देखो स्पाइडरमैन खुद यहां पे बैठा हुआ है, एक वीडियो गेम है। तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो गेम दिखाऊंगा, ये देखो गाइज मेरे पास है यहां पर वीडियो गेम जिसके अंदर मैंने छोटी वाली बैटरीज डाल रखी है। और गाइज ये देखो कुछ इस तरह का ओवरऑल ये दिखाई देता है। अगर हम इसके फेस को यहां से ओपन करेंगे तो गाइज ये देखो यहां पे आप गेम खेल सकते हैं, यहां पे काफी सारे बटन बने हुए, ऑन ऑफ है, एसपी है, रीसेट है, साउंड का है, लेफ्ट राइट के लिए और आगे पीछे के लिए हर तरह के बटन है। तो इसको ऑन कर लेते हैं और गाइज देखो बटन दबाते ही हमारी वीडियो गेम ऑन हो गई है ना। और गाइज ये देखो आप यहां पे गेम सिलेक्ट कर सकते हैं और गाइज ये देखो कुछ इस तरह से आप इसको सिलेक्ट करके खेल सकते हैं। देखो ये देखो गाइज एक गेम शुरू हो गई, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये देखो गाइज है ना। तो काफी अमेजिंग टाइप की इसके अंदर गेम्स होती हैं। अगर आपने गेम खेली है तो आपको पता होगा गाइज, मैंने तो गाइज बहुत खेली है। आजकल तो बच्चे वाली गेम नहीं खेलते बट पहले बहुत ही ज्यादा खेली जाती थी, ये देखो। और गाइज आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से वर्क करते हैं, काफी ब्यूटीफुल गेम है गाइज आप देख सकते हैं। और इसके अंदर मल्टी गेम होती है, पहले मैं इसको ऑफ कर लेता हूं। गाइज एक गेम के अंदर मल्टी गेम होती है इसीलिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होती है। बट गाइज जो हमारी ये गेम है ये स्पाइडर मैन वाले डिजाइन के साथ आई है इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है ना। और गाइज बहुत ही ब्यूटीफुल भी लग रही है देखने में, तो गाइज इसको यहां पर रख लेते हैं। और इसके बाद गाइज हमारे पास है यहां पर बहुत ही अमेजिंग सा कुछ इस तरह की दो स्पाइडर मैन वाली प्रोजेक्टर वॉच, ये देखो कुछ इस तरह की ये वॉच दिखाई दे रही है आप देख सकते हैं है ना। यहाँ पे स्पाइडरमैन बना हुआ है, सुपर हीरो लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं गाइज। ये प्रोजेक्टर वॉच है जिसके अंदर से लाइट्स जलती हैं। अगर आप इसको दीवार पे चलाओगे ना अंधेरे में तो इसके अंदर से लाइट निकलती है और आपको दीवार पर स्पाइडरमैन बनता हुआ दिखाई देगा। सो गाइज ये देखो एक मैंने निकाल लिया बाहर, इस तरह की वॉच आपको 120 रुपीज के आसपास मिल जाएगी। ये देखो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पाइडरमैन बना हुआ है दोनों साइड, ओवरऑल आप देख सकते हैं कुछ ऐसी ये दिखाई देती है। और जो वॉच है हाथ में पहनने के बाद ये कुछ ऐसी दिखाई देगी, आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग ओवरऑल इसका डिजाइन दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पे प्रोजेक्टर है, यहाँ पे इसका बटन है। और गाइस ये देखो यहाँ पे बैटरीज के पीछे इस तरह की स्ट्रैप लगी होती है, इसको हटा देंगे तो गाइस ये देखो आपकी बैटरी अब काम करने के लिए रेडी है। और गाइस ये देखो यहां से हम इसको ओपन करेंगे तो गाइस आप देख सकते हैं इसके अंदर हम टाइम देख सकते हैं। यहाँ पे दो बटन बने हुए, इन दोनों बटनों को दबा के आप टाइम सेट कर सकते हैं, ये देखो गाइस है ना। और यहाँ पे एक कुछ इस तरह का सर्कल बना हुआ है, अगर आप इसको घुमाओगे तो गाइस जो प्रोजेक्टर के अंदर से कैरेक्टर निकलते हैं वो चेंज होते हैं। देखो कुछ इस तरह से घूम घूम के प्रोजेक्टर के अंदर से कैरेक्टर चेंज होते हैं, तो काफी अमेजिंग है। ये वाली वॉच मैं आपको दीवार पे चला के दिखाता हूं गाइस किस तरह से वर्क करती है, जो इसके अंदर से प्रोजेक्टर से स्पाइडरमैन निकलते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं। सो गाइस स्पाइडरमैन की प्रोजेक्टर वॉच मेरे हाथ में और मैंने पूरे रूम में अंधेरा कर लिया। देखो मैं इसको ओपन कर लेता हूं, यहां से मैंने इसको ओपन किया। अब गाइस ये देखो इसके अंदर जो प्रोजेक्टर है उसके अंदर से कुछ इस तरह से लाइट बाहर आती है और गाइस ओवरऑल ये कुछ ऐसा दिखाई देता है ना। अब इसके प्रोजेक्टर को हम दीवार पर यूज करके देखते हैं, देखो कुछ इस तरह का स्पाइडरमैन इसके प्रोजेक्टर से बाहर आ रहा है आप देख सकते हैं। और गाइस मैं अगर इसके बटन को घुमाऊंगा तो गाइस आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसके अंदर से कैरेक्टर चेंज होते हैं। वाओ कितना ज्यादा अमेजिंग दिखाई दे रहा है गाइस आप देख सकते हैं है ना, काफी ब्यूटीफुल है गाइस। और टोटल 6 से 7 कैरेक्टर इसके अंदर से आपको दीवार पर डिस्प्ले होंगे, तो काफी ज्यादा अमेजिंग है गाइस। और गाइस ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, देखो है ना, टाइम भी हम इसके अंदर देख सकते हैं, लाइट कुछ इस तरह से इसके अंदर से बाहर आती है। और गाइस अगर हम इसके फेस को बंद कर दे तो अंधेरे में इसका फेस कुछ ऐसा दिखाई देता है, तो काफी अमेजिंग स्पाइडरमैन वॉच है गाइस, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई गाइस ये। सो गाइज आपने देखा कि हमारी अमेजिंग सी स्पाइडर मैन वॉच किस तरह से वर्क करती है, इसका प्रोजेक्टर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है ना, और प्राइस भी इसका काफी अच्छा है। अगर आपने इस तरह की प्रोजेक्टर स्पाइडर मैन वाली वॉच कभी यूज किया तो कमेंट में जरूर बताना। इसको हम यहां पे रख लेते हैं। और गाइज ये देखो मेरे पास है यहां पर एक बहुत ही बड़ा स्पाइडर मैन वाला ज्योमेट्री बॉक्स, ये देखो इसका साइज देखो गाइज आप, मेरे हाथ के हिसाब से बहुत बड़ा इसका साइज है। अब गाइज इसके अंदर ना बहुत सारे फीचर है जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार है। 1, 2, 3, 4 बटन यहां पर बने, अगर हम 4 बटन दबाते तो 4 कंपार्टमेंट ओपन होते हैं। देखो 2, 3,
चार चार कंपार्टमेंट ओपन हो गए। अगर हम इसको यहां से ओपन करेंगे तो गाइज ये देखो यहां पे इसके अंदर पेन पेंसिल और कलर का होल्डर बना हुआ है, यहां पर भी पेन पेंसिल और कलर का होल्डर बना हुआ है, यहां पे एक बटन है इसको दबाएंगे तो गाइज ये देखो एक और कंपार्टमेंट यहां पे ओपन हो गया, यहां पे एक सीक्रेट स्पेस है इसको ओपन करेंगे तो गाइज यहां पे आप देख सकते हैं कितने सारे स्पेस इसके अंदर ओपन हो गए। मैं आपको काउंट कराता हूं, एक दो तीन चार पांच छह सात और ये आठ, आठ कंपार्टमेंट इसके अंदर बने हुए हैं। और इसको यहां से बंद करेंगे तो आज आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग दिखाई दे रहा है। और दूसरी साइड से भी इसके अंदर यहां पे बहुत ज्यादा स्पेस है ना। और गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम एंड क्लास भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है। तो ये काफी अमेजिंग ज्योमेट्री बॉक्स है। इस तरह का ज्योमेट्री बॉक्स आपको 300 रुपए के आसपास आराम से मिल जाएगा। और इसके बाद गाइस मैं आपको दिखाता हूं मेरे पास है यहाँ पर एक बहुत ही अमेजिंग सी स्पाइडर मैन वाली स्टेशनरी किट। इसके अंदर गाइस बहुत सारा सामान होता है, ये देखो है ना यहाँ पे स्पाइडरमैन बना हुआ पूरा प्रॉपर तरीके से। तो जल्दी से इसको ओपन करते हैं। इस तरह की किट आपको 250 रुपीज के आसपास ऑनलाइन मिल जाएगी, अगर अमेजोन पे ढूंढेंगे तो आपको 250 रुपए के आसपास ही अवेलेबल हो जाएगी। सो गाइज आप देख सकते हैं ओवरऑल ये कुछ ऐसी दिखाई देती है। और इस किट के अंदर हमें बहुत सारा सामान मिलता है, क्या क्या सामान मिलता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो सबसे पहले हमें इसके अंदर मिलता है बहुत ही प्यारा सा स्पाइडरमैन वाला शार्पनर जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है ना। और तो और गाइज ये देखो हमें इसके अंदर एक स्पाइडरमैन वाली डार्क पिंक कलर की इरेजर मिलती है। और गाइस यहाँ पे बहुत सारे कलर्स मिलते हैं, ये देखो इसके अंदर काफी सारे कलर्स हैं, मैं आपको बाहर निकाल के दिखा देता हूँ। ये देखो गाइस इसके अंदर मिलते हैं इतने सारे कलर्स, पांच या छह कलर्स है जो कि कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। और ये काफी ब्यूटीफुल कलर्स है, अगर आपको ड्रॉइंग करना पसंद है तो ये आपके लिए बहुत ही अमेजिंग चीज है ना। तो इसको गाइज बंद कर लेते हैं। और गाइज ये किट बहुत ही अमेजिंग स्टेशनरी किट है क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा सामान होता है। दो दो स्पाइडरमैन वाली पेंसिल मिलती है जो कि आप देख सकते हैं कैसी ये दिखाई दे रही है ना। और इसके अंदर गाइज हमें यहाँ पे एक स्पाइडरमैन वाला स्केल भी मिलता है, ये देखो गाइज आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग स्केल है ना। और गाइज क्वालिटी वाइज ये बहुत ही अच्छा है, देखो बैंड करेंगे तो टूटेगा नहीं। तो गाइज इसको वापस से यहाँ पे सेट कर लेते हैं। और गाइज अभी आपको एक और अमेजिंग चीज दिखाता हूँ जो कि स्टेशनरी किट के अंदर में मिलती है, जो कि है गाइज ये देखो स्पाइडर मैन वाला कुछ इस तरह का बहुत ही प्यारा सा ज्योमेट्री बॉक्स। तो पहले इसको यहाँ पे रख लेते हैं। और गाइज ये देखो जो ज्योमेट्री बॉक्स है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, काफी ज्यादा स्पेस है, काफी बड़ा इसका साइज है, मेटल क्वालिटी के साथ ही आता है, ओवरऑल ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। और यहां पे आप देख सकते हैं ABCD लिखी है कैपिटल में, 1 से 9 तक टेबल लिखी हुई है, ओवरऑल ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, काफी यूनिक टाइप की चीज है गाइस। अगर आपने इस तरह की कोई स्टेशनरी किट यूज की है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें मिलती है तो कॉमेंट में जरूर बताना। और गाइस ये देखो हमारे पास है यहां पर कुछ इस तरह का स्पाइडर मैन वाला स्पिनर, ये देखो इसके अंदर लाइट भी जलती है और साउंड भी आता है, इधर से भी स्पाइडर मैन का फेस है, इधर से भी स्पाइडर मैन का फेस है, ये है इसका लॉन्चर। और गाइज ये देखो यहां पे मैं आपको इसे चला के दिखाता हूं, और अंधेरे में गाइज ये बहुत अमेजिंग तरीके से वर्क करता है क्योंकि इसकी लाइट बहुत ही ज्यादा है। तो इसको यहां पे चलाते हैं और गाइज ये देखो यहां पे घूम रहा है, इसके अंदर साउंड भी आ रहा है और लाइट भी जल रही है। तो गाइज इसको फिलहाल हम रोकते हैं, अब हम ना इसको फर्श पे चला के देखते हैं कि गाइज ये किस तरह से वर्क करता है। ये देखो स्पाइडर मैन वाले स्पिनर को मैंने यहाँ पर रेडी कर लिया, और गाइज आप देख सकते हैं हाथ में रेडी होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब गाइज इसको फर्श पे चलाएंगे और देखेंगे इसके अंदर से कैसी लाइट और साउंड आता है। सो गाइज 3 2 1 गो। और गाइज ये देखो कुछ इस तरह से घूमता है और ऊपर से आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग दिखाई दे रहा है। साउंड आप इसका सुन सकते हैं, साउंड बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है ना, वाओ कितने अमेजिंग तरीके से घूम रहा है गाइज, बहुत ही ब्यूटीफुल ये दिखाई दे रहा है इसके साउंड और लाइट की वजह से। अब गाइज हम इसको अंधेरे में चला के देखते हैं। सो गाइज ये देखो अंधेरे में ये कुछ इस तरह से वर्क करता है, इसकी लाइटिंग आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है और ऊपर से आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल दिखाई देता है गाइज ये, है ना। तो काफी अमेजिंग स्पिनर है गाइज ये, और जो इसका स्पाइडरमैन वाला डिजाइन है ये इसके लुक को और भी ज्यादा अमेजिंग बना देता है। साउंड और लाइट आप देख सकते हैं कितना ज्यादा अमेजिंग है, तो गाइज मजा आ गया इसको यूज करके, है ना। सो गाइज आपने देखा कि हमारा ये स्पाइडरमैन कितने ज्यादा अमेजिंग तरीके से वर्क करता है ना, और अंधेरे में जो इसकी लाइटिंग है वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल दिखाई देती है। इस तरह का टॉय आपको 120 रुपीज के आसपास मार्केट में मिल जाएगा। इसके बाद गाइज ये देखो हमारे पास है यहाँ पर कुछ इस तरह की स्पाइडरमैन वाला मल्टी कलर पेन, ये देखो यहाँ पे स्पाइडरमैन का फेस बना हुआ है, ओवरऑल आप देख सकते हैं कुछ ऐसा ये दिखाई देता है, और यहाँ पे काफी सारे बटन है, देखो अगर इनको आप यूज करेंगे तो गाइज ये देखो इसके अंदर बहुत सारे कलर्स है, मैं आपको सारे कलर्स बताता हूँ कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 कलर है गाइस के अंदर, और सारे ही कलर अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। देखो थोड़ा लाइट पिंक टाइप का कलर है, पैरट ग्रीन है, येलो है, पर्पल है, स्काई ब्लू है और ब्लैक है, और ये सारे ही कलर वर्किंग कंडीशन के हैं गाइज, ऐसा नहीं है कि एक भी कलर वर्क नहीं करेगा। अगर आप कॉपी पर इन छह कलर्स को चलाओगे तो सारे कलर अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। और इसके बाद गाइज हमारे पास है यहाँ पर कुछ इस तरह का बहुत ही अमेजिंग सा स्पाइडर मैन वाला एक पेंसिल पाउच, ये देखने में तो बहुत ही बड़ी पेंसिल जैसा दिखाई दे रहा है आप देख सकते हैं, बट गाइज ये एक पेंसिल पाउच है जो कि ज्योमेट्री बॉक्स की तरह वर्क करता है। इसको गाइज आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत ज्यादा स्पेस है,
है ना, काफी ज्यादा सामान आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। और गाइज ये देखो, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसा ओवरऑल ये दिखाई देता है, यहाँ पे बड़ा बड़ा स्पाइडरमैन बना हुआ है और देखने में ऐसा लगता है बहुत ही बड़े साइज की पेंसिल है। इसको यहाँ पे रख लेते हैं। और तो और गाइज ये देखो, मेरे पास है यहाँ पर एक स्पाइडरमैन वाला कुछ इस तरह का फ्रेंडशिप बैंड। अब गाइज ये दो दो तरीके से वर्क करता है, एक तो गाइज ये कुछ इस तरह से अपने हाथ पे मानेंगे तो गाइज ये देखो ये एक फ्रेंडशिप बैंड बन जाता है जो कि हाथ पे पहनने के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। और गाइज आप कोई भी पतला आदमी मोटा आदमी कोई भी इसको पहन सकता है, ये शेप ले लेता है अपने हिसाब से। ये देखो कितना अमेजिंग ये दिखाई दे रहा है ना। और तो और गाइस इसकी एक और खास बात है, अगर आप इसको एज अ स्केल यूज करना चाहें तो आप इसको हटा सकते हैं। देखो मैंने इसको हटा लिया और गाइस ये देखो अब ये स्केल बन गया, आप इससे सीधी लाइन खींच सकते हैं, है ना, कितनी अमेजिंग बात। सो गाइस काफी ब्यूटीफुल स्पाइडरमैन फ्रेंडशिप बैंड है ये। अगर आपने इस तरह का फ्रेंडशिप बैंड कभी यूज किया तो कमेंट में बताना। और गाइस ये कुछ इस तरह से बैंड हो जाता है, ये देखो कितना अमेजिंग है ना, बहुत ही यूनिक टाइप का टॉय है गाइस ये। और इसके बाद गाइस हमारे पास है यहाँ पर कुछ इस तरह का स्पाइडरमैन वाला ज्योमेट्री बॉक्स, ये देखो कुछ ऐसा ये दिखाई देता है। अगर हम इसको यहां से ओपन करेंगे तो गाइस ये देखो इसके अंदर बहुत ज्यादा स्पेस है, ये देखो है ना, यहाँ पेन पेंसिल कलर होल्डर बना हुआ है, देखो कितना सारा स्पेस है इसके अंदर। यहां से इसको बंद करेंगे और दूसरी साइड से ओपन करेंगे तो गाइज ये देखो यहां पर भी इसके अंदर बहुत ज्यादा स्पेस है, काफी अमेजिंग ज्योमेट्री बॉक्स है। और गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पाइडरमैन किस तरह से इसके ऊपर बना हुआ है ना, कितना ज्यादा अमेजिंग दिखाई दे रहा है। इसको यहाँ पे रख लेते हैं। और इसके बाद गाइज मैं आपको दिखाता हूं मेरे पास है यहाँ पर एक और प्रोजेक्टर वॉच, उसके बाद गाइज वॉकी टॉकी दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखो प्रोजेक्टर वॉच आप मेरे हाथ में देख सकते हैं कैसी ये दिखाई देती है। और गाइज इस तरह की प्रोजेक्टर वॉच आपको 150 रुपीज के आसपास मिलेगी। सो गाइज इसको यहां से खेल लेते हैं, इसका स्ट्रैप ऑलरेडी हटा हुआ है, बैटरी इसकी ऑन है ना। और गाइज ये देखो पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, ये देखो यहाँ पे स्पाइडरमैन बना हुआ है, यहाँ पे भी स्पाइडरमैन बना हुआ है, यहाँ पे दो बटन से, इन दो बटन से आप टाइम सेट कर सकते हैं। और गाइज ये इसका प्रोजेक्टर, ये इसका बटन, अगर हम बटन दबाएंगे तो गाइज ये देखो आपको हाथ पे लाइट दिखाई दे रही होगी। अगर इसके प्रोजेक्टर को हम दीवार पे डिस्प्ले करेंगे तो गाइज बहुत सारे स्पाइडरमैन आपको डिफरेंट टाइप के दीवार पर दिखाई देंगे। और इसकी सबसे ज्यादा अमेजिंग बात है कि इसके अंदर 24 कैरेक्टर बाहर आते हैं जो कि इसके पैकेट पर लिखा भी हुआ है। ये देखो 24 कैरेक्टर इसके अंदर से बाहर आते हैं जो कि कुछ इस तरह के अलग अलग डिजाइन है। तो चलिए गाइस इस वाली वॉच को भी ना दीवार पे यूज करके देखते हैं कि इसका प्रोजेक्टर किस तरह से वर्क करता है। सो गाइस ये देखो 150 रुपए की स्पाइडरमैन प्रोजेक्टर वॉच मेरे हाथ में है। और गाइस ये देखो अगर मैं इसकी लाइट को जलाता हूं, देखो प्रोजेक्टर के अंदर से कुछ इस तरह की लाइट बाहर आती है। और गाइज आप देख सकते हैं कुछ ऐसा ओवरऑल ये दिखाई देता है। और गाइज अगर मैं इसके प्रोजेक्टर को दीवार पर डिस्प्ले करूं तो गाइज ये देखो कुछ इस तरह से वर्क करता है, 24 कैरेक्टर इसके अंदर से डिस्प्ले होते हैं। और गाइज अगर मैं बटन को बार बार दबाऊंगा तो गाइज आप देख सकते हैं कैरेक्टर चेंज होते रहते हैं। ये देखो वाव, जितनी बार मैं बटन दबाऊंगा उतनी बार टोटल 24 कैरेक्टर इसके अंदर से बाहर आएंगे। ये देखो और स्पाइडरमैन का साइज देखो गाइज कितना बड़ा है दीवार पे, ये देखो वाओ बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है गाइज, आप देख ही सकते हैं है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल गाइज प्रोजेक्टर वॉच है। और गाइज ये देखो मैं अगर मोबाइल को दीवार के मतलब वॉच को दीवार के पास कर दूंगा तो गाइज ये देखो बहुत छोटा हो जाता है। और गाइज दीवार से दूर करूंगा तो गाइज आप देख सकते हैं कितना बड़ा स्पाइडरमैन आपको दीवार पे दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरह से वर्क करती है। तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, मजा आ गया इसको यूज करके। सो गाइज आपने देखा कि हमारी ये प्रोजेक्टर वॉच कितने अमेजिंग तरीके से वर्क करती है, 24 डिफरेंट टाइप के स्पाइडरमैन आपको दीवार पर दिखाई देंगे है ना, अंधेरे में तो गाइज इसकी बात कुछ और ही है, मजा आ गया गाइज इसको यूज करके। तो इसको यहां पे रख लेते हैं। और गाइज मेरे पास यहां पर एक एवेंजर्स वाली वॉकी टोकी जो कि स्पाइडरमैन वाले पैटर्न में भी है गाइज, आप देख सकते हैं। और गाइज मैं इसको बाहर निकाल लेता हूं, ये वॉकी टोकी मुझे मिली है गाइज 400 रुपीज की, ये देखो है ना। और गाइज स्पाइडरमैन एवेंजर्स का पार्ट है तो गाइज आप देख सकते हैं सारे कैरेक्टर्स के ऊपर बने हुए। और ओवरऑल गाइज दोनों वॉकी टॉकी कैसी दिखाई देती है मैं आपको दिखाता हूं। पहले ये देखो इसके अंदर 3 AA बैटरीज मैंने लगा रखी है और सेम टू सेम 3 AA बैटरी मैंने इसके अंदर भी लगा रखी है ना, बहुत ही प्यारा वॉकी टॉकी है गाइज। यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है, ये देखो मैंने इसको घुमाया तो गाइज ये ऑन हो गया। बैटरी मैंने इसके अंदर भी डाल रखी है, 400 रुपए का ये टॉय है और बैटरी मैंने इसके अंदर भी डाल रखी है, देखो दोनों के दोनों ऑन हो गए हैं। अगर हम इनके इससे साउंड सुनना चाहें तो गाइज 100 मीटर के आसपास इसकी रेंज आराम से होती है। अगर हम इसके अंदर बोलेंगे तो इसके अंदर साउंड सुनाई देगा, इसके अंदर बोलेंगे तो इसके अंदर साउंड सुनाई देगा। अब साउंड कैसे सुनाई देगा, देखो अगर हम बोलना चाहें तो यहां से इस बटन को दबाएंगे कुछ इस तरह से और बोलेंगे। सो गाइज देखो मैं आपको सुनाता हूं, ये बटन मैंने दबाया, अब देखो हेलो गाइज टेंगो चार्ली 124 आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग साउंड आ रहा है गाइज। सो गाइज आपने देखा कि कितना अमेजिंग साउंड इसके अंदर से आता है ना। अगर इस वाले के बटन को दबाएंगे और इससे सुनेंगे तो गाइज देखो इससे भी साउंड आएगा, हेलो गाइज 124 124 टेंगो चार्ली ला 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 ला।
सो गाइस आप देख सकते हैं किस तरह से वर्क करती है, दोनों वॉकी टॉकी आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहां से इसका बटन बंद कर लेते हैं और गाइस मैं आपको बता दूं 100 मीटर के आसपास इसकी रेंज आराम से है। अगर आप एक को यहां पे रखें और दूसरे को 100 मीटर दूर ले जाओगे तो गाइस बहुत ही अमेजिंग तरीके से इसकी बैटरी काम करती है, इसकी रेंज बहुत ही ज्यादा है। तो बच्चों के खेलने के लिए तो ये बहुत ही ऑसम चीज है। अगर आपने कभी वॉकी टॉकी खेलने के लिए यूज किया तो कमेंट में जरूर बताना। और गाइस ये देखो मेरे पास यहां पर एक बहुत ही अमेजिंग सा स्पाइडर मैन जिसके अंदर लाइट भी जलती है, ये गाइस मुझे मिला है 150 रुपीज का। और गाइस ये देखो इसके अंदर हमें कुछ इस तरह का स्पाइडरमैन का नेट यानी कि जाल भी मिलता है, आप देख सकते हैं कितना उस समय देखो है ना, ये देखो ये प्लास्टिक वाली फॉर्म में है। और गाइस ये देखो जो हमारा स्पाइडरमैन है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, स्पाइडरमैन की गर्दन पूरी 360 डिग्री घूमती है, हाथ पूरा घूमता है गाइस ये देखो, पैर भी बहुत अच्छे तरीके से मूव होते हैं। अगर आप इसे स्टैंड करना चाहें तो कुछ इस तरह से स्टैंड भी हो जाता है। और यहाँ पे बटन है, अगर आप बटन दबाएंगे तो गाइस ये देखो इसके अंदर ब्लू कलर की लाइट जलती है, ये देखो और लाइट की रोशनी आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा है ना, तो काफी अमेजिंग है। और इसकी क्वालिटी देखो, इसकी फिनिशिंग देखो, बहुत ही ब्यूटीफुल ये दिखाई दे रहा है। तो मुझे 150 रुपीज का बॉक्स मिला है जिसके अंदर कुछ इस तरह का स्पाइडरमैन हमें मिलता है। और गाइस ये देखो हमारे पास यहाँ पर एक और स्पाइडरमैन वाला ज्योमेट्री बॉक्स जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है, इसको भी ओपन करके देखते हैं। पहले आप इसका साइज देखो, नॉर्मल ज्योमेट्री बॉक्स से कितना ज्यादा मोटा है, और इसके अंदर देखो कितना सारा स्पेस में देखो सामान है, शार्पनर है, इरेजर है, स्केल है, पेंसिल है और एक मैजिकल मार्कर है ना, कितना अमेजिंग है। और गाइस इसके नीचे भी स्पेस है, ये देखो इस ज्योमेट्री बॉक्स की सबसे ज्यादा अमेजिंग बात है कि इसके अंदर स्पेस बहुत ज्यादा है, आप बहुत सारी चीजें इसके अंदर रख सकते हैं। ये देखो मैं इसको यहां से उठाता हूं, ये देखो कितना ज्यादा स्पेस है इसके अंदर। और गाइस इसको अगर आप यहां से बंद करेंगे दूसरी साइड से आप देख सकते हैं यहां पर भी बहुत ही अच्छा स्पेस है, और यहां से बंद कर देंगे तो आज कुछ ऐसी दिखाई देती है ना। अगर आपने इस तरह का एक भी ज्योमेट्री बॉक्स कभी यूज किया तो कमेंट में बताना। और गाइस ये देखो मेरे पास यहां पे एक स्पाइडरमैन वाला कुछ इस तरह का टॉय जो कि एक कार जैसा दिखाई देता है। और गाइस ये देखो मैं इसका एक टायर घुमाऊंगा तो चारों टायर घूमते हैं, ये देखो चारों टायर घूमते हैं जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा अमेजिंग तरीके से परफॉर्म करता है। ये देखो गाइस है ना। अब गाइस इसकी सबसे ज्यादा अमेजिंग बात क्या है, अगर आप इसको फर्श पे चलाओगे तो गाइस जब किसी चीज से टक्कर खाएगा तो ये कुछ इस तरह से घूम जाता है, वापस दीवार के पास जाएगा तो दोबारा से घूम के ऐसे भागने लग जाएगा, देखो ऐसे जाएगा और फिर ऐसे घूम के ऐसे भागने लग जाएगा, ये बहुत ही अमेजिंग गाइस। और इसके टायर की ग्रिप आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग ग्रिप इसकी बनी हुई है। ओवरऑल ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, दोनों साइड से स्पाइडरमैन है और दोनों साइड से सेम टू सेम दिखाई देता है। अगर आप इसे आगे भगाना चाहते तो आगे भागता है, पीछे भगाना चाहे तो ये पीछे भी भागता है, हर तरीके से भागता है गाइस, ये बहुत ही अमेजिंग टॉय है। इसको यहां पे रख लेते हैं। और गाइस आप देख सकते हैं मेरे पास और ज्योमेट्री बॉक्स है, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो एक ज्योमेट्री बॉक्स कुछ ऐसा है, ये देखो कितना अमेजिंग है। और इस तरह के ज्योमेट्री बॉक्स की सबसे ज्यादा अमेजिंग बात है कि इसके अंदर स्पेस बहुत ही ज्यादा होता है। यहां पे एक मैजिकल मार्कर है, देखो यहां पे एक ट्रे है, इस ट्रे के ऊपर आप इस मैजिकल मार्कर को यूज कर सकते हैं। अभी मैजिकल मार्कर क्यों है यही मैं आपको बताता हूं, ये देखो ये ट्रे के ऊपर मैंने मार्कर को चलाया है ना, और जो इस मार्कर के आगे ब्रश लगा हुआ है इससे आप इस मार्कर को इरेज कर सकते हैं, ये देखो इसीलिए ये मैजिकल मार्कर है। ये देखो एक ट्रे निकलती है जिसके ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हैं, काफी अमेजिंग है गाइस, इसको यहां पे रख लेते हैं। और गाइस ये देखो मेरे पास यहां पे एक और ज्योमेट्री बॉक्स है जो कि गाइस कुछ ऐसा दिखाई देता है, ये देखो है ना कितना अमेजिंग है, इसके अंदर बहुत ज्यादा स्पेस है। यहां पे एक बटन है, अगर हम बटन दबाते हैं तो गाइस देखो एक कंपार्टमेंट ओपन होता है। इसके अंदर यहां पे डबल शार्पनर लगे हुए हैं जो कि पेंसिल को लॉन्ग पॉइंट और शॉर्ट पॉइंट शार्प करते हैं। दूसरी साइड से भी आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा स्पेस है। तो ओवरऑल गाइस ये बहुत अमेजिंग टॉय कलेक्शन है, आपको लगभग लगभग मैंने सारे टॉयज दिखा दिए। अगर आपको मेरा यह स्पाइडरमैन कलेक्शन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, ऐसी वीडियो और भी देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं लगातार आपके लिए बनाता रहता हूं। सो गाइस मिलते हैं नई वीडियो में अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय गाइस।